ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनकर किया कोरोना मरीजों का इलाज, अब बनी न्यूज एंकर। रूस के एक अस्पताल में पारदर्शी कपड़े पहनकर कोरोना मरीजों का इलाज करने वाली नर्स नादिया जुकोवा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण ये है कि उन्हें एक चैनल में न्यूज एंकर बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नादिया को मॉस्को के दक्षिण में स्थित तुला नामक जगह पर एक स्थानीय टीवी चैनल द्वारा एंकर की नौकरी दी गई है। फिलहाल नादिया यहां एक मौसम प्रस्तुतकर्ता के रूप में भूमिका निभाएंगी, हालांकि वे नर्स के रूप में भी अपना काम जारी रखेंगी। बताया जाता है कि वे मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एंकर के रूप में काफ़ी फिट होंगी, साथ ही वे एक नर्स के रूप में काम करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाएंगी, क्योंकि उनका प्रशिक्षण भी चल रहा है। टीवी पर अपनी नई भूमिका के बारे में नादिया का कहना है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस मौके के लिए उन्होंने चैनल का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस मौके का वे भरपूर लाभ उठाएंगी। मालूम हो कि नादिया जुकोवा पहली बार तब चर्चा में आई थी जब रूस के एक अस्पताल में पीपीई किट के नीचे पहने गए अपने कपड़ों के कारण वे आलोचना का शिकार बनी थी। इतना ही नहीं, 23 वर्षीय नादिया को अस्पताल ने अनुचित ड्रेस कोड के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था। अस्पताल से नादिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। उन्हें रूस की हॉट नर्स भी कहा जाने लगा था। काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी, साथ ही अस्पताल को भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। नादिया की ये तस्वीरें कब और कैसे बाहर आ गई उन्हें खुद नहीं पता चल पाया। उन्होंने बताया था कि वे जब अस्पताल पहुंची तो वहां उन्हें लोग तस्वीरें और उससे जुड़ी मीडिया कवरेज दिखाने लगे। इसके बाद उन्हें इस बारे में पता चला। हालांकि बाद में नादिया ने बताया था कि उन्हें वही नौकरी वापस मिल गई है, क्योंकि नादिया के समर्थन में रूस के कई डॉक्टर और स्टाफ ने आवाज़ उठाई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन को अपने फैसले पर विचार करना पड़ा था। नादिया ने बताया कि लगातार पीपीई किट पहनकर काम करने के चलते उन्हें काफ़ी गर्मी लग रही थी और ज़रूरत से ज़्यादा मरीज होने के चलते वो ब्रेक भी नहीं लेती थी। ऐसे में उन्होंने पीपीई के नीचे सिर्फ इनर वियर पहनकर काम करना ठीक समझा था। नौकरी वापस मिलने के बाद नादिया ने बताया था कि उन्हें वापस काम पर लौटकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।